मैं श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल गर्ल श्रेया में। Think it's time to call it quits. The kitchen tap is broken. आज नया दिन है लेकिन बहुत ही टेंशनफुल डे था आज, क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही थी ना, मेरा वो रूम का जो डेट था वो हो गया एक्सपायर। मतलब मैं जितना दिन के लिए बुक की थी और नेक्स्ट जो रूम है ना, मुझे रूम मिल ही नहीं रहा था दुबई में, बिकॉज़ मेरे बजट के हिसाब से रूम जान मतलब मिल नहीं रहा था। फिर मैं बजट अपना ऊँचा की, मतलब लगभग 5,500 रुपये पर नाइट का बजट कर दी, फिर जाके एक मुझे मिला। अभी एक्चुअली वहीं पर खड़ी हूँ और अभी बज रहा है दिन का 1:30 और अभी तक मेरा चेक इन नहीं हुआ है। यहाँ पे लंबा लाइन लगा हुआ है। ये एक्चुअली एक स्टूडेंट हॉस्टल होटल अपार्टमेंट टाइप का है, तो वहीं पे मैं अभी रहने के लिए बुकिंग की हूँ। तो आपको तो पता लगेगा ही मैं आज कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं जहाँ पे जा रही हूँ ना, वहाँ पे ये उसका इनॉग्रेशन डे है। सो आप देखते रहो क्या आगे चल के होता है, बिकॉज आई डोंट नो मेरे साथ आज क्या होने वाला है। अपने डेस्टिनेशन में, तो ये है वो जगह जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। ये तो है बाहर से, और इसके अंदर मैं अभी जाने वाली हूँ। वो जो आपको छोटा छोटा केबिन दिख रहा है व्हील के अंदर, उसके अंदर हम जाने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। जगह पे छाए हुए हैं कि आज इधर इन लोगों का इनॉग्रेशन चल रहा है। मैं पहले दिन ही आई हुई हूँ और यहाँ पे चल रहा है हमारा हिंदी वाला गाना। तो हम कर गए हैं एंट्री, अभी होने वाला है सिक्योरिटी चेकिंग। तो मैं अभी घूम के एंट्री में जा रही हूँ। प्लस आज ये डीजे एक कंसर्ट टाइप का होने वाला है, डीजे वगैरह होने वाला है इसके बाद। तो ये है मेरा वो बैंड जो कि मैं ये ख़त्म करने के बाद जाऊँगी, इसीलिए मैं आपको बोली थी कि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज एक तो मैं ओपनिंग डे पे आई हूँ और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें भी हो रहे हैं ओपनिंग डे की वजह से। सो आप एंड तक बने रहोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो मेरा सिक्योरिटी वगैरह ख़त्म हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ इसके अंदर। तो यहाँ से ऊपर जाना है, तो अभी जल्दी जल्दी से पहुँचते हैं ऊपर। ऐसा लग रहा है हम तो स्पेस पे जाने वाले हैं, बहुत बड़ा बड़ा कांच का है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। एंड मैं अपना ब्रेथ होल्ड करके रख रही हूँ। ये देंगे हमको फोटो और पक्का से इसका कुछ ना कुछ फी तो रहेगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कितना चार्ज लेंगे वो उस चीज़ का, लेकिन मैं संभाल के रखती हूँ, देखते हैं जाते वक्त देखेंगे। धीरे धीरे ना इसके अंदर से निकल रहे हैं पहाड़ के ऊपर, और आपको
देख सकते हो ये बहुत स्लोली स्लोली से बाहर निकल रहा है और ये पीछे एक बिल्डिंग भी दिख रहा है, ये यूनियन का एक आइकॉनिक बिल्डिंग है नहीं है और बहुत ऑसम फीलिंग आ रहा है। इस तरह से लग रहा है ना ये बिल्डिंग और अभी मैं एंड दुबई के अंदर पीछे जो आप देख रहे हो ये है JVR बीच जो कि यहाँ से दिख रहा है। तो एंड दुबई का यही खासियत है पूरा दुबई आपको दिखेगा वो भी टॉप से और अलग अलग जगह से। और एक आप ऐसे लगेगा कि मेरी गोडाउन पे बैठे हो प्लाजा में एंजॉय कर रहे हो व्यू देख रहे हो वो भी एयर कंडीशन वाला क्लास के अंदर। केबिन के अंदर ना ऐसे बैठने के लिए भी जगह बना हुआ है तो आप अगर बैठ बैठ के भी एंजॉय करना चाहो तो भी कर सकते हो लेकिन नॉर्मली कोई बैठेगा तो नहीं, वो लोग सबको ही छिपा छिपा के ग्लास के उधर फोटोज निकाल रहे हैं। साइड जो है ये एक्चुअली लोकेटेड है दुबई मरीना एरिया पे और ये साइड में जो आपको दिख रहा है वो है JVR बीच। प्लस इसके साथ साथ जो यॉट राइड होता है वो भी यहीं से जाता है तो सारा यॉट्स भी दिख रहा है, सारा प्राइवेट यॉट्स शेयर्ड यॉट्स सब। सो आई होप कि ऐसे ही करके मैं आप लोगों को इंजॉय करवाती रहूँगी और नया नया जगह दिखाती रहूँगी। बट उसके लिए आपको टिंग टिंग वाला बेल आइकन भी बजाना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पूरा हाइट पे पहुंच गए हैं। ये जो मैं हूँ ये मैं पूरा मतलब हाई के पूरा हाइट में हूँ और इस तरफ से ये है वो और एक कैप्सूल जो कि नीचे जा चुका है। तो अभी मैं मतलब ऑसम लग रहा है कितना ज़्यादा हाइट, जो जितना बड़ा बड़ा सब बिल्डिंग है ना यहाँ पे तो वो बिल्डिंग के मतलब पूरे लेवल में आ गया है ये और नीचे ऐसा लग रहा है आई एम इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे कि बुर्ज अल अरब भी दिख रहा है तो मतलब सब सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। ये जो एंड दुबई है ये है ब्लू वाटर आइलैंड में और आप देख सकते हो ब्लू है पानी पानी, तो ये जो पानी है ना पूरा ब्लू कलर का है इसीलिए इसका नाम है ब्लू वाटर आइलैंड। बाहर के ओर और मैं आपको फिर बाहर नीचे मिलती हूँ।
और मैं जो फोटो ली थी उसका जो कार्ड था वो स्कैन करके आप वहाँ से ले सकते थे, लेकिन उसका था 20 dirham। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारा फोटोज निकाल लिया है अपना, तो मैं और एक्स्ट्रा 220 dirham पे करके लेना नहीं चाहूँगी। तो फिर अभी हम लोग एग्जिट की ओर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे अंदर जैसे ही उतरे थे आप देखे होंगे एक सोवेनियर शॉप था। सोवेनियर शॉप मतलब उधर टी शर्ट्स हैं, बॉटल सब एन दुबई के मतलब प्रिंट होके हैं। और बाहर जो माहौल है वो और एक अलग लेवल का माहौल है। यहाँ पे एक मेला सा लगा हुआ है, फॉरेन वाला मेला लगा हुआ है। और क्योंकि ये एन दुबई बसा हुआ है पानी के साइड में, तो ये जो मतलब जो इसका सुंदरता है और भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द पानी। और ये कुछ है नजारा नीचे से बाहर का, ये है पानी इस तरफ, ये है इस तरफ वो आइकॉनिक बिल्डिंग, ये है पीछे मेरा वो जायंट वेल, और बज रहा है म्यूजिक और बहुत मस्ती लग रहा है। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि हवा भी चल रहा है, धूप तो है ही, दुबई है धूप होगा ये तो कॉमन बात है, हवा भी चल रहा है उसके साथ साथ, और म्यूजिक गाना बजाना खाना पीना, लाइफ में और क्या चाहिए। और कोई ऐसे आइकॉनिक चीज़ के इनॉग्रेशन डे के दिन आपको आने को मिल जाए और क्या चाहिए। जब मैं ऊपर गई थी ऐसे मतलब वो फील नहीं हो रहा था एक्चुअली कितना हाइट है। आप नीचे से देखते हो तो उसका रियल हाइट का पता लगता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाइट में है। मैं जो गई थी वो जनरल एंट्री था जो कि शेयर्ड होता है, मतलब मेरे साथ और भी दूसरे लोग थे। और ऐसे तो इसके अंदर प्रीमियम सर्विसेज भी है, आप सिंगल बुक भी कर सकते हो अपने लिए। कि यहाँ पे कोई भी चीज़ में MRP नहीं होता है, वो आप कौन से एरिया से ख़रीद रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये है दुबई मरीना एरिया, तो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ों का भी रेट ज़्यादा रहता है। और ये पूरा है मरीना के साइड में, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो यहाँ से दिखता है ऊँची ऊँची बिल्डिंग और ये है पानी का व्यू। तो यहाँ पे ना जैसे ही शाम होने को आ रहा है तो जो मतलब जो क्या बोलते एनवायरनमेंट हो रहा है ना वो और भी ज़्यादा हैपनिंग हो जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और क्योंकि धूप ढल रही है तो यहाँ पे पानी के पास भी बहुत लोग अभी बैठ के एंजॉय करना स्टार्ट कर दिए। बात करने नहीं देगी, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रहा है यहाँ पे, शायद पहली बार इतना तेज़ हवा चलते हुए मैं देखी। और ये अभी सनसेट का टाइम है तो सनसेट हो रहा है तो और भी ऑसम वाला फीलिंग आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो इतना दिन तो सनसेट होता है मेरा फेवरेट वाला टाइम। अभी मैं चल चल के जा रही हूँ उस तरफ और क्या बोलूँ, आप सिर्फ नज़ारा का मज़ा उठाओ।
इनोग्रेशन जो भी हो इनोग्रेशन था और मैं लकी हूँ कि मैं फर्स्ट डे यहाँ पे विजिट की हूँ। एंड बिलीव मी आज मैं जो दौड़ दौड़ के पहुँची हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि आज मैं शिफ्टिंग एंड ऑल यू नो आज मेरा सब कुछ था, फिर भी आई एम लकी कि मैं फर्स्ट डे पे, जैसे होता है ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो वैसा वाला था। और उस साइड हो रहा है कंसर्ट, लेकिन मुझे ये व्यू देखना था इसीलिए मैं इस साइड आ गई, ताकि मैं यहाँ से अपना व्यू, ये जो मस्त वाला व्यू है ना वो समुंदर के इस पार से दिख रहा है, इसीलिए मैं इस पार से आके देखी, मतलब मरीना के साइड में आ गई हूँ। और ये था द माइंड ब्लोइंग एंड दुबई, द जाइंट एंड दुबई जो भी बोलो। सो ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बिकॉज आई एम सो मच हैप्पी। सो सी यू अगेन विद अ न्यू एपिसोड विद अ न्यू ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।